हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं आते ही किचन में साफ़ सफाई जुट चुकी हूँ। और साफ़ सफाई मतलब नहीं, ये पोछा सूखने के लिए डाला था, ये पोछा किचन का ही होता है, इसको सुखाने के लिए डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं थायराइड की दवा खा लेती हूँ और उसके बाद फिर शुरू करती हूँ कटिंग चॉपिंग का काम। आज मैं सब्ज़ी में शिमला मिर्च बनाऊँगी, जो कि मेरे घर की हर सदस्य की फेवरेट सब्ज़ी है, वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। जब से मैं शिमला मिर्च बनाने लगी हूँ ना, तब से मेरे घर में शिमला मिर्च हर महीने, मतलब हर महीने नहीं, साल के बारहों महीने आते, इतनी पसंद की जाती है, इतनी पसंद की जाती है ना, मैं क्या बताऊँ। गर्मी के मौसम में सिर्फ शिमला मिर्च प्याज बनती है, ठंड के मौसम में इसमें मटर ऐड कर देते हैं, कभी कभार गाजर भी ऐड कर देते हैं। वैसे गाजर डाल के बनाती हूँ तो बच्चे कम पसंद करते हैं, मटर भी डाल देती हूँ तो भी बच्चों को नहीं पसंद आती। ज़्यादातर जो सब्ज़ी पसंद आती है प्याज और शिमला मिर्च। तो सबसे पहले यहाँ पे शिमला मिर्च को अच्छे से काट करके, उसके बीज निकाल करके और उसको अच्छे से धुल करके पतला पतला कट कर लेना है। उसके बाद इसमें प्याज, जैसे हम करेला प्याज बनाते हैं ना, वैसे शिमला मिर्च प्याज की सब्ज़ी बढ़िया, इतनी चोखी बनती है, चाहे रोटी के साथ खाओ चाहे चावल के साथ खाओ। तो यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी धनिया की पत्ती, लहसुन, सब कुछ काट करके मैंने सारी सब्जियाँ तैयार कर ली। सब्जी काटने में ज़्यादा टाइम लगता है शिमला मिर्च की। कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, जीरा, कसूरी मेथी तड़का डाला है, उसके बाद प्याज 3 मैंने काटी थी, लहसुन 5-6 कलियाँ, मिर्ची अपनी तीखा के अनुसार, आपको जितना तीखा पसंद है, कोई कोई 1 मिर्ची, 2 मिर्ची, मेरे घर में भाई मिर्ची तीखा पसंद करते हैं, तो मैं 4-5 मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि तीखा चटपटा सब बच्चे खाते हैं। प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद उसके बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देना है, और शिमला मिर्च ऐड कर देने के बाद देर बिल्कुल नहीं करना है। स्वाद अनुसार नमक, मसाले जो भी आप डालते हैं, जैसे मैं हल्दी मसाला, किचन किंग सब्जी मसाला, मीट मसाला और होममेड मसाला, जैसे होममेड मसाला भुना हुआ धनिया, जीरा, सौंफ का पाउडर होता है जो कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है, ऐसे चटपटा चाट वाला स्वाद देता है, तो ये मसाले आप ज़रूर ऐड करें अगर आपको पसंद है। साथ ही इसमें टमाटर, हरी धनिया की पत्ती मैं ऐड कर दे रही हूँ, थोड़ा सा धनिया की पत्ती मैंने बचा के रखा, लास्ट में मैं ऐड करूँगी सब्ज़ी पक जाने के बाद। कुछ नहीं करना है अब, इसके बाद आपको ढक देना है, बीच बीच में चलाते रहना है। एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इसकी सूखी सब्जी बनाएं, फ्लेम को बहुत धीमा करें, बीच बीच में चलाते जरूर रहें, वरना आपकी सब्जी बिल्कुल जल जाएगी। सब्जी बन चुकी है, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल करके दूसरी तरफ मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। बच्चों का टिफिन लगाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, और रोटियां जो मैं बनाती हूँ सुबह ही मैं बना देती हूँ, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो रोटियां खाएंगे, बच्चे स्कूल से लेके जाएंगे रोटियां, पद्यो जी ऑफिस जाएंगे तो रोटियां खाएंगे, हो सकता है दोपहर के लंच में एक आध रोटी खा लें। तो इस तरीके से मैं इतनी रोटियाँ बना देती हूँ कि बाद में मुझे दोबारा रोटियां ना बने, फिर डायरेक्ट मुझे रात को ही रोटियां बनाने। तो बच्चों का टिफिन पैक कर दिया है, बहुत जल्दी थी, बच्चों को लेट हो रहा था तो मैंने सूट नहीं किया। उसके बाद ये रोटी मैं कैसरोल में रख दूँगी और साथ ही सब्जी को भी खाली करके रख दूँगी, तो सब्जी रोटी हमारा बन चुका है, जिसको खाना है, ऑफिस जाना है। देखिए कितनी बढ़िया एकदम टिम-टिम सब्जी दिख रही है, ऊपर से धनिया की पत्ती थोड़ी सी डाल दो ना, अभी सब्जी गरम गरम है तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऊपर डाल दें हैं। धनिया की पत्ती डाल देने से हर रेसिपी 4 चांद लग जाता है, देखने में सुंदर लगती है, खाने में सुंदर लगती है। अब सब्जी रोटी बन चुकी, खाली कर दिया है, अब टाइम आता है साफ़ सफाई करने का। सबसे पहले जो मैं साफ़ सफाई से शुरुआत करती हूँ वो किचन क्लीनिंग, टॉप क्लीनिंग करती हूँ, काउंटर टॉप क्लीनिंग करती हूँ। तो ये क्या होता है, ये पोछा को हल्के से गीला कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती नहीं गीले पोछे से, जिस दिन बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली ऑयली सा मुझे लगता है ना, उस दिन मैं स्कॉच ब्राइट में हल्का सा वही डिटर्जेंट जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ उसको लगा के पहले रब कर देती हूँ, उसके बाद गीले कपड़े से पोछ देती हूँ, तो हमारा किचन काउंटर बहुत क्लीन रहता है। बाकी लोगों को ऐसे मैं देखती हूँ जहाँ पे किचन में खाने बनाते हैं ना, पूरा टाइल्स ऐसे बीच बीच में काले काले हो जाते हैं, देख के ही घिन आती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। देखो भाई, अपना जहाँ पर हम खाना बनाते वो एकदम से क्लीन होना चाहिए, ऐसे दूध की तरह चमकता हुआ होना चाहिए। देखिए जो ऊपर टाइल्स जहाँ तक है वहाँ तो मैंने क्लीन कर लिया, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा जहाँ पे ऐसे काले काले जम जाते हैं, इसको पुतैया होने के लिए, हमारे बस में कुछ होता नहीं, हम पुतैया सुतैया कर लें। कभी कभी पद्देव जी कहते हैं लाओ थोड़ा सा मैं ला के पोत देता हूँ, रखा होता है, फिर मैं कहती हूँ रहने दो, थोड़ा सा ही क्या करना, जब करना तो पूरा ही करना, नहीं तो थोड़ा सा क्या, चलने दो, ऐसे ही काम चल रहा है। उसके बाद किचन साफ करने के बाद पद्देव जी वाक से आ जाते हैं, तो उनके लिए चाय बनाना होता है, चना देना होता है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से चाय बना देते हैं। आज मैं चाय, चीनी, नमक कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो मैंने सॉल्ट और शुगर दोनों दे रखा है, आज मैं सॉल्ट भी नहीं खाऊँगी, शुगर भी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से अपना फेस पैक लगा लेती हूँ। आप लोग पूछते हैं वजन कम होने से स्किन हमारी डल हो जाती है, चेहरे का ग्लो गायब हो जाता है, चेहरे के ग्लो पाने के लिए देखो कुछ खोना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने चेहरे पर फेस पैक वगैरह लगाया करें, हफ्ते में 2-3 बार, भाई मैं कभी कभी ना दिन में 2 बार लगा लेती हूँ, ऐसे टाइम देंगे अब अपनी स्किन को, तो आपकी स्किन हेल्दी ही रहेगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कच्चा दूध ले लेना है, बेसन ले लेना है, दोनों को मिक्स करके आपको चेहरे पर अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद अच्छे से
स्क्रब करके इसको धुल लेना है, क्लीन कर लेना है। तो ज़्यादातर मैं इसको क्या करती हूँ, नहाने के टाइम लगाती हूँ। फिर ये क्या होता है ना, जब तक मैं काम करती रहती हूँ 15-20 मिनट में अच्छे से सूख जाता है, उसके बाद अच्छे से क्लीन करके धुल करके स्नान कर लो। और ख़ास करके उस दिन लगाना होता है जिस दिन बाल धुलना हो, क्योंकि बाल में भी अक्सर लग ही जाते हैं, हम कितना भी बचा के लगाएं तो लग जाते हैं। जब तक हमने फेस पैक लगाया तब तक हमारी चाय बन चुकी थी, हालाँकि चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। पद्देव जी कह रहे थे चाय थोड़ी सी ज़्यादा, मैंने कहा आज पी ही लो, आज मुझे नहीं पीना है। तो ज़्यादा हो कम हो जैसा भी हो बना दिया है, थोड़ी सी ज़्यादा ही पी लो। उसके बाद फिर साफ़ सफाई झाड़ू पोछे का काम शुरू करते हैं। पोछा तो मैं आज लगाऊंगी नहीं, क्योंकि इसके एक दिन पहले मैंने सोमवार को पोछा मारा था, फिर आज मैं नहीं लगाऊंगी, फिर बुधवार को लगाऊंगी, फिर बृहस्पतिवार को भी नहीं लगाती पोछा, पानी से भी नहीं लगाती। बृहस्पतिवार को पोछा लगाना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं शुक्रवार को लगाती हूँ, शनिवार को फिर मैं आतर दे देती हूँ, फिर आतवार को लगा देती हूँ। ऐसे ऐसे होता है एक दिन नागा करके साफ़ सफाई, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत का काम होता है पोछा मारना और झाड़ू मारना, सबसे बड़ा काम मेरे घर में है। इतना ज़्यादा सामान है, सामान को हटा हटा के तो भाई क्यों ही करना है इतना ज़्यादा, जब साफ सफ है तो क्या ही पोछा लगाना, सिर्फ पानी से। और वैसे भी जो हमारे घर में सामान है, बेड है, ये सब प्लाई का है, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी कर देने से ये सारी चीज़ खराब हो जाएंगे। सबसे निराली तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है। अगर हम कुछ भी चीज़ें सोच लेना तो असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है इंसान के लिए करना। जैसे मैं पहले सोचती थी कि कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँगी, डाइट हो या फिर वज़न कम करना हो, लेकिन बहुत आराम से मैंने धीरे धीरे सब कुछ किया। जैसे आज मैंने जो लिया है प्रतिज्ञा कि आज मैंने चीनी नहीं खाऊँगी और नमक नहीं खाऊँगी। नमक के बिना तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन चीनी चाय के बिना काम नहीं चलता है। लेकिन आज मैंने प्रतिज्ञा जो ली है उसे पूरी करनी है। तो सबसे पहले मुझे जोर की प्यास लगी थी, थोड़ा गुड़ लिया और मैंने आधे उन्हें पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा गुड़ खाकर सबसे पहले प्यास बुझाते हैं। प्यास जोरों की लगी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। आज है मंगलवार, हमारा व्रत है और आज मैंने सॉल्ट फ्री और शुगर फ्री दोनों चीज़ों से मैंने तौबा कर ली है। आज हम चाय भी नहीं पिए सुबह सुबह, तलब तो बहुत हो रही थी। ऐसे होता है ना, जब आदत पड़ जाती है चाय की तो मतलब ऐसे होता पी ले, कई बार मन हुआ पी लेते हैं, थोड़ा सा ही पी लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया, चाय भी नहीं पी, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया और बस थायराइड की गोली खा के वही पानी पिए थे थोड़ा सा। उसके बाद बच्चों का टिफिन और पद्देव जी का सब्जी रोटी खा के गए ऑफिस, बच्चे टिफिन लेके खा के गए ऑफिस, और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई और स्नान ध्यान पूजा पाठ ये सब किए। और प्यास बहुत जोर की लगी थी, थोड़ा सा गुड़ खा के 2.5 गिलास पानी पिया है, पपीता रखा है खाने में, केला रखा है, फिलहाल पपीता खाएंगे, केला नहीं खाएंगे आज, और एक पपीता पूरा दिन आज खाएंगे, बाकी पानी पियेंगे पूरा दिन और कुछ भी नहीं खाएंगे, मूंगफली भी नहीं खाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेंगे जो कि हमारा वजन बढ़ाती है, क्योंकि 6 दिन में हम जो खाते हैं हमें 7वें दिन उसको कंट्रोल करना होता है। और बहुत बहुत अच्छा होता है, जैसे हम 6 दिन जो भी कुछ खाते पीते हैं ना, 7वें दिन अपना सॉल्ट फ्री डे रख लेते हैं, शुगर भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, तो वजन हमारा नियंत्रित रहता है, कंट्रोल में रहता है, बढ़ता नहीं। फिलहाल अभी मेरा वजन जो है 69 ही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन घटाना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा वजन घटाने के नुकसान भी होते हैं। एक व्यूअर का कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि मेरा वजन 86 kg था और अब 65 शायद है, और मेरा फेस बिल्कुल
भी अच्छा नहीं लगता। पहले तो सबको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है अपना फेस देख करके, और मेरे फेस से पूरा ग्लो गायब हो चुका है। अब आप कोई उपाय बताएं। तो मैंने शुरू से ही कहा है, जब भी आप डाइट वजन कम करें तब आप फेस योगा करें। फेस योगा ऐसे करके, ऐसे ऊपर, ऐसे ऐसे करके, बहुत सारे फेस योगा होते हैं, तो आप फेस योगा करें। अपने फेस पे फेस पैक डेली अप्लाई करें, ताकि वजन कम होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है हमारे फेस पे ही फर्क पड़ता है। हमारे फेस का ग्लो गायब हो जाता है, स्किन एकदम से डल डल हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, खाना पीना, एकदम से डाइट पे आ जाते हैं ना, तो वो सबका असर जो है हमारे चेहरे पे पड़ता है। बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल भी हो जाता है, यहाँ आंखों के नीचे ऐसे काले घेरे हो जाते हैं। फिलहाल मैं बताना चाहूंगी, मुझे भी ऐसा हुआ था, मेरे भी चेहरे का ग्लो एकदम से बिल्कुल गायब हो चुका था, लेकिन धीरे 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 करके मैं एलोवेरा जेल, नारियल का तेल, क्या क्या नहीं लगाई, लेकिन अब जो है मैं बेसन कच्चा दूध लगा रही हूँ, कभी कभी मैं दही बेसन लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं बेसन और टमाटर के पल्प में मिक्स करके लगा लेती हूँ। आजकल तो अक्सर जो मेरा पैक बन चुका है बेसन कच्चा दूध। कच्चा दूध बहुत हेल्दी होता है, हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है, हेल्दी स्किन को बाहर लाता है। बेसन क्लिंजिंग का काम करता है, बेसन से स्किन टाइट होती है। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि वजन कम होने से स्किन जो है लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, चेहरे की हो या फिर हमारे हाथ पैर की हो, जो बेसन होता है ना आप उसे लगा के चेहरे पे आधे घंटे के लिए छोड़ दो, तो हमारा स्किन ऐसे टाइट टाइट सा ऐसे हो जाता है, उसकी वजह से हमारा स्किन टाइट रहता है। मैंने लगभग लगभग 30-31 kg वजन कम किया है, लेकिन मेरे चेहरे का ग्लो आप लोगों के सामने है, और आप मुझे रियल में भी देखोगे तो ऐसा ही पाओगे। ऐसा नहीं कि कैमरे में कुछ और है और रियल में कुछ और, आप मुझे रियल भी देखोगे तो रियल भी ऐसा है जैसे यहाँ पे कैमरे में दिख रहा है। तो फिलहाल आज मेरा व्रत है, सॉल्ट फ्री डे है, शुगर फ्री डे है, और बच्चों के लिए, पतियों जी के लिए अभी दोपहर में दाल चावल बनाना है, तो आज मैं बहुत दिन बाद मसालेदार दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। रोटी सब्जी मैंने बना दिया है, और कुछ बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो सबसे पहले मैं दाल की कटिंग चॉपिंग की तैयारी कर लेती हूँ। प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, इन सबकी कटिंग चॉपिंग करती हूँ। उसके पहले दाल चावल धुल के रख लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और पहले मैं दाल चावल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पपीता खाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत जोर की प्यास लगी थी, पानी पी लिया तो फिर खाने का मन नहीं है। तो मैं उन व्यूअर से ये कहना चाहूंगी, आप वजन कम करें, अच्छी बात है, वजन जितना आपको कम करना है उतना अपने हिसाब से करें, किसी के कहे में ना करें। आप मुझे देख के सब लोग कहते हैं आप अपना वजन 65 कर लो। अरे भैया, शरीर में कुछ हार्ड मास होना भी चाहिए कपड़े पहनने के लिए, ठीक ठाक दिखने के लिए, कि नहीं होना चाहिए? मतलब हम किसी के कहने से क्यों कर लें? जो हमें ठीक लगता है हमें वो करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। और हाँ, अपना ध्यान रखें, अच्छे वाला ध्यान रखें, जैसे होता है ना, केयर करें। वजन कम करते समय ना हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, बहुत कम खाते हैं, हमें वीकनेस, कमजोरी। अगर आप रोटी चावल नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह आप दही, दूध, फ्रूट, सलाद, और जैसे आप क्या कहते हैं, कटोरी भर, मतलब दो कटोरी दाल ले सकती हैं। तो आप रोटी और चावल को स्किप करके आप उसकी जगह बेसन की रोटी, बीटरूट मिक्स करके बेसन की रोटी, आप क्या कहते हैं, लौकी मिक्स करके, लौकी क्या है ना, लौकी कद्दूकस कर लीजिए या फिर उसको मिक्सर में पीस लीजिए, आप उसे बेसन और थोड़ा सा उसमें गेहूं का आटा मिक्स करके आप उसकी रोटी तैयार कर लीजिए। मैं ये सारी चीजें बहुत सारी बनाती थी, लेकिन अब मुझे डाइट में कंट्रोल हो चुका है। मैं दो रोटी खा लेती हूँ, उतने में मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, उतना ही मेरे पूरे दिन के लिए काफी हो जाता है। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट नहीं ले रही हूँ। और आज कई दिन बाद मैं दाल बना रही हूँ, जो दाल में मसालेदार बनाती थी उसको सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कलछी से निकाल करके देसी घी डाला है, थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाला है, और उसके बाद इसमें मैंने जीरा, कसूरी मेथी डाला है। ये वाली दाल फेवरेट बन चुकी है मेरे घर में, सबको बहुत पसंद आती है। जब कोई सब्जी नहीं खाना चाहते थे गर्मी के मौसम में, ये दाल बहुत बनती थी। फिलहाल अभी तो ये कम हो चुका है। उसके बाद प्याज डाल के हमने खूब अच्छे से भून दिया है। पहले मैं क्या करती थी, प्याज के साथ लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सबको साथ में ही चॉपर से चॉप करके डालती थी। उससे क्या होता था, उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा खिल के नहीं आता था, लेकिन जैसे अब हम प्याज अलग भून लेते हैं तो प्याज अच्छे से भून जाती है। अदरक लहसुन जो होता है क्या है, चिपक चिपक जाता है, तो बाद में अदरक लहसुन में भूनती हूँ। उसके बाद जब प्याज अच्छे से भून जाती है, इसमें मैंने हरी धनिया की पत्ती खूब सारी डाली है, टमाटर एक कट करके डाला है, उसको भी भून लिया है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, इसको थोड़ी देर तक ढक देंगे, क्या होगा, टमाटर अच्छे से मैश हो जाएगा। उसके साथ ही मसाले मैंने डाल दिए हैं, हल्दी मसाला, किचन किंग, थोड़ा सा सब्जी मसाला, तीन मसाले जाएंगे। दाल में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगे,
लगते हैं, लेकिन हाँ थोड़े से मसाले डाल दो, थोड़ी सी तीखी तीखी दाल रहे, चटपटी दाल रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद थोड़ी देर ढक देने के बाद दाल मसाले को खूब अच्छे से मैश कर दिया। दाल जो मैं बनाती हूँ वो सिर्फ अरहर की दाल नहीं होती, इसमें मैंने मसूर वाली दाल मिलाई है जिसमें छिलका नहीं होता, लाल मसूर जो होती है ना उसको, लाल मसूर डाल देने से हमारी दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। सिर्फ आप अरहर की दाल बनाते हैं ना तो उससे क्या होता है, पानी अलग होता है, अरहर की दाल अलग, या तो खूब ढेर सारा आप अरहर की दाल डालो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसका ढक्कन लगा दिया, एक सीटी में पक जाएगी। पपीता आया था काफ़ी दिन से रखा हुआ था, आज के लिए ही मैंने बचा के रखा था, पपीता व्रत के दिन खाऊंगी। तो पूरा का पूरा पपीता मैंने छील करके काट करके फ्रिज में रख दिया, बच्चे आएंगे बच्चे भी खाएंगे या फिर मेरा दोबारा खाने का मन होगा, भूख लगेगी तो आज पूरे दिन में मुझे पपीता ही खानी है, मतलब पूरे दिन भर। रात का तो मैंने कभी सोच के नहीं रखा है कि रात में क्या खाऊंगी। उसके बाद पपीता खाया और हमारी दाल अच्छे से पक चुकी थी, मैंने कहा दाल खाली करके चलो चावल भी डाल देते हैं, बच्चों के आने का लगभग लगभग टाइम हो रखा था। दाल मैंने बाउल में खाली कर लिया, उसके बाद कुकर को मैं अच्छे से धुल लूँगी, इसमें मसाले बनाए थे तो मसाले थोड़े बहुत लगे होंगे, इसको अच्छे से धुल लेने के बाद इसमें चावल ऐड करके पका लेती हूँ। देखिए दो कुकर खाने से अच्छा है अगर आपके पास टाइम है तो आप एक में दाल बनाने के बाद उसे खाली करके उसमें चावल बना लें, लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो फिर हमें दो कुकर चढ़ाना पड़ता है। इसके बाद इसमें पानी ऐड करके चावल में एक सीटी लगाना होता है, बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये चावल बहुत फीका फीका लगता है, ये उबला हुआ चावल है यानी स्टीम राइस है। उसके बाद जो है दाल में मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है और देखिए कितनी बढ़िया टिम टिम दाल लग रही है ना देखने से। शाम का टाइम है, शाम के टाइम मैंने कुछ सूट नहीं किया, मुझे कुछ खाना पीना था नहीं, चाय वाय बनाना था नहीं, मतलब ना मैंने चाय बनाई ना आज मैंने पी। गौरी चाय बनाई थी अपने पापा के लिए और मैं दूध लेने चले गई थी। आज शाम को मैं टहलने तो गई थी लेकिन वीडियो मैंने सूट ही नहीं किया, पूरा चक्कर लगा ली, 2 किलोमीटर की वॉक की है। व्रत होने के बावजूद भी मैं कोशिश करती हूँ वॉक ना छूटे पाए, एक्सरसाइज ना छूटने पाए, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ करती रहूँ, क्योंकि छूट जाने के बाद फिर वापस उस रास्ते पे आना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। और वॉक से आते आते देखिए लगभग लगभग ये 6:30 बजे का टाइम हो चुका होगा, दिन छोटा होता है आजकल 6:30 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है, पहले 7 बजे तक उजाला रहता था। रात के टाइम मैंने इसमें एक सेब काटा है, 2 केला लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, 5-6 इसमें किशमिश डाला है मिठास के लिए। वैसे केला भी बहुत मीठा था, सेब भी मीठा था, खा करके ना इतनी बम्पर नींद आई है, बढ़िया नींद आई है कि क्या ही बताएं, मतलब पूरा एक बाउल भर के मैंने खाया ना, पेट भर गया है। और केला क्या था, काफी ज्यादा मीठा था, गला गला के था। एक बार मैंने सोचा शेक बना लूं। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं रात के 9 और आज का हमारा सफलतापूर्वक शुगर फ्री एंड सॉल्ट फ्री डे कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में